तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल। तो आज मैं सोच रहा था कि यार माइनक्राफ्ट कितना बोरिंग सा गेम है, और अगर एक माइनक्राफ्ट में वेंडिंग मशीन होती तो भाई माइनक्राफ्ट कितना यूपी गेम बन जाता ना। मतलब माइनक्राफ्ट में हम एक बटन दबा के वेंडिंग मशीन से सामान निकाल पाते, और कितना मज़ा आता अपने दोस्तों के साथ खेलते। तो गाइस ऐसा तो माइनक्राफ्ट में कुछ है नहीं, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना मैं बनाता हूँ, और ये 100% वर्किंग है भाई। ये आप भी बना सकते हो, कोई मोड नहीं है, 100% वर्किंग है, माइनक्राफ्ट के सामानों से ही बन जाता है। तो चलो, और भाई मैं दो चीज़ें बताऊंगा आपको, एक और चीज़ बताऊंगा वो भी बहुत ओपी है, पहले उसको देख लो। तो उसके लिए आपको एक डिस्पेंसर लेना है, और एक गड्ढा करना है डिस्पेंसर का, ही लगा देना है, एंड रेड स्टोन का डस्ट डस्ट लेना है, एंड कुछ इस तरीके से लगा देना है जैसे मैं लगा रहा हूँ। अब भाई आपको एक वो जो है ना, एक लीवर चाहिए। तो पहले मैं लीवर ले लेता हूँ, तो मैं एक लीवर ले लेता हूँ यहाँ से, और ये रहा लीवर, तो मैंने लीवर को ले लिया, और अब मैं लीवर को लगा दूंगा यहाँ पर। और भाई लीवर लेने के बाद आपको एक स्केलेटन का एग भी चाहिए। तो पहले यार मैं एक स्केलेटन का एग ले लेता हूँ, मेरे को ज़्यादा पहचान नहीं है एग की, इसलिए मेरे को मिल नहीं रहा। तो भाई मिल गया यार, गाइस मिल गया मेरे को स्केलेटन का एग, यही है, मैंने ले लिया। और अब मैं यहाँ पे पहले ना, मैं यहाँ पे जाके डिस्पेंसर के अंदर एक आर्मर को डाल देना है आपको, डिस्पेंसर के अंदर एक आर्मर डाल देना है पूरा, और शील्ड भी डाल देनी है। और भाई देखना कितनी ओपी चीज़ होगी। अब यहाँ पे लीवर रख देना है, यहाँ पे रेड स्टोन के पास इस जगह पे लीवर को लगा देना है। और लीवर लगाने के बाद अब यहाँ पे आपको डिस्पेंसर के ऊपर एक स्केलेटन स्पॉन करना है। ऐसा स्पॉन नहीं होगा, आपको क्राउच करके स्पॉन करना पड़ेगा, जैसे ही आप स्पॉन करोगे स्पॉन हो जाएगा। एंड अब आपको जल्दी से भाग के आना है, एंड लीवर को बार बार दबाना है, बार 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 बार, जैसे मैं दबा रहा हूँ, और ऐसे दबाना है। अब जैसे आप ऐसे दबाओगे, और भाई देखो क्या ही लग रहा है स्केलेटन, ऐसा लग रहा है हमारे साथ कोई प्लेयर खेल रहा हो। बस शील्ड ले लिया उसने, और उसके ऊपर पूरा आर्मर आ चुका है भैया, लग रहा है कोई प्लेयर खेल रहा हो हमारे साथ भाई। अब इसमें बहुत जान आ चुकी है, आप इसे इतनी आसानी से नहीं मार सकते, देखो इतनी आसानी से नहीं मरेगा। तो ये था, और भाई जो फाइनली अब हम बनाने वाले हैं वेंडिंग मशीन को। तो भाई वेंडिंग मशीन कुछ इस तरीके से बनती है, आपको येलो कंक्रीट को ऐसे लगा देना है जैसे मैं लगा रहा हूँ, और यहाँ पे बुक सेल्फ लगानी है जैसे मैंने लगा दी है। और पहले मैं इनको तोड़ देता हूँ, ये बहुत बेकार लग रही है, और ये मैं इसको तोड़ देता हूँ, पहले मैंने तोड़ दिया। अब आपको ये तोड़ना है, इस ब्लॉक को तोड़ने के बाद आपको ये नहीं तोड़ना था, इसको आप लगा दो, आपको इसके नीचे का ब्लॉक तोड़ना है। तो ऐसे कुछ इस तरीके से तोड़ के, और एक इसके नीचे का, और अब यहाँ पे आपको रेड स्टोन लगाना है। रेड स्टोन लगाने के बाद अब आपको यहाँ पे डिस्पेंसर लगाना है। डिस्पेंसर लगाने के बाद अब आपको यहाँ पे येलो कंक्रीट को लेना है, और इसके ऊपर कुछ इस तरीके से लगाना है जो ये ढक जाए। तो इस तरीके से लगाने के बाद अब भाई आपको यार बुक सेल्फ जो लगाया था वो मैंने कुछ गलत लगा दिया, वो इस तरफ नहीं लगाना था, दूसरी तरफ लगाना था। तो पहले मैं इसको तोड़ देता हूँ, भाई मैंने इसे तोड़ दिया। अब बुक सेल्फ को आप इस तरीके से लगाओ जैसे मैं लगा रहा हूँ, देखो ऐसे ऐसे और ऐसे लगा दो। लगने के बाद अब यहाँ पे आपको गिलास लगा देना है, देखो यहाँ पे मैंने गिलास लगा दिया। अब आपको ऊपर से इसको ढक देना है पूरा, पूरा ऊपर से कवर कर दो ताकि ये फालतू का दिखे ना। देखो मैं ऊपर से कवर कर देता हूँ, और ये देखो मैंने कवर कर दिया, और भाई थोड़ा थोड़ा लग रहा है ना वेंडिंग मशीन की तरह। और भाई आपको यहाँ पे ना एक बटन लगा देना है, भाई बटन लगा दिया। और अब डिस्पेंसर में वो सामान भर देना जो भी इस वेंडिंग मशीन से निकालना चाहते हो, उस सामान को भर दो, जैसा कि मैं बुक सेल्फ को भर देता हूँ। एंड अब येलो कंक्रीट को कुछ इस तरीके से लगा देता हूँ इसके ऊपर, अब हो गया। अब भाई देखो लग रहा है ना वेंडिंग मशीन, भाई देखो मैंने यहाँ ना आइटम फ्रेम लगा दिया, उसके अंदर कोई कुछ आइटम रख दिए जिससे थोड़ा मज़ेदार दिखे। और देखो जैसे ही मैं बटन दबाऊंगा, और देखो भाई बुक सेल्फ बाहर आ चुका है, देखो भाई कितनी ओपी लग रही है। मतलब एक बार मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ, जैसे देखो मैं इसको
बटन को प्रेस करूँगा ना, एकदम वो सामान बाहर आ जाएगा जो आपने डिस्पेंसर में रखा होगा। और भाई कितनी ओपी वेंडिंग मशीन बन चुकी है, मतलब आप अपने दोस्तों को हैरान कर सकते हो, वो तो पागल हो जाएगा भाई देख के कि भाई ये क्या चीज़ है, उसको आप उठा भी सकते हो। ये देखो जितनी बार भी दबाओगे निकलते रहेंगे, जितने भी आप इसमें भरे होंगे देखो भाई। और ये देखो, ये देखो कितनी बढ़िया लग रही है। और आप जो है ना एक काम और करना है आपको, ये आइटम फ्रेम में आप वही सामान लगाना जो आप इसके अंदर से निकलवा रहे हो, डिस्पेंसर के अंदर जो आपने भरा है वही सामान आइटम फ्रेम के अंदर लगाना, मैंने कुछ और लगा दिया। और भाई आप ना ये पीछे से पूरा ढक देना, ये जो फालतू का दिख रहा है ये मैं अभी नहीं ढक रहा, आप ढक देना आप इसे अच्छा सा बनाना चाहो तो। मैं तो बस एग्जाम्पल के लिए बना के दिखाया था, आप पूरा ढक के फिनिश कर दो इसको। और भाई ये इतनी देखो वीडियो में कितनी ओपी लग रही है हमारी वेंडिंग मशीन। और भाई लाइक कर दो, देखो कुछ इस तरीके से दिल से सब्सक्राइब कर दो। और भाई अगर आप ये इमोट लेना चाहते हो, ये ना फ्री फायर के इमोट हैं जो कि मैंने माइनक्राफ्ट में डाले हैं इमोट की मदद से, और ये दो नहीं है बहुत सारे इमोट हैं, शुरू में भी आपने देखे होंगे वीडियो के। और अगर आप चाहते हो कि ये भी मैं आपको बताऊँ कि इमोट को अपने माइनक्राफ्ट में कैसे डालना है, तो आप कमेंट कर देना। अगर 5 कमेंट भी आ गए तो मैं इसके ऊपर एक ट्यूटोरियल वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको पूरी तरीके से बताऊंगा कि कैसे इसको इंस्टॉल करना है। बाय।